कापनी में महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज हुआ करते थे। उनकी वाइफ हुआ करती थी संत मीराबाई, जिन्हें बचपन से कृष्ण भक्ति विलुप्त था, जो उनके देवर को पसंद नहीं था, तो उनको विष का प्याला पिलाया था इसी मंदिर में, जो अमृत के तौर में बदल गया था। सेकंड बार सांप की टोकरी में सांप रख के भेजा तो फूलमाला बन गया। आप लोग मंदिर दर्शन करेंगे, बहुत ही भव्य मंदिर है। इसमें जो आप स्टेचू देख रहे हैं मीराबाई का, ये हमारे यहाँ बिरला सीमेंट है। उनके ओनर ने 2008 में मीराबाई और कृष्ण मंदिर की मूर्ति स्थापना की। सेवन गेट बने हैं। अभी हम सेवन गेट पार करके आए थे, बीच में हमने कुछ बस्ती दिखा। ये बस्ती उस समय का है जब राजा के समय में सैनिक लोग, पंडित लोग कार्य करते थे, उनके वंशज अभी यहाँ पे रह रही है। जिनके पास ताम्र पत्ता आइडेंटिटी प्रूफ उस जमाने का, उनको यहाँ रहने के लिए जगह दी। जिनके पास ताम्र पत्ता नहीं था वो नीचे में रह रहे हैं। इस किले पे 55 राजाओं ने राज किया और 27 बार युद्ध हुआ। 27 युद्ध में 24 युद्ध में यहाँ के राजपूत राजाओं की विजय हुई, 3 युद्ध में यहाँ के राजपूत राजाओं की हार हुई। उसमें प्रथम युद्ध था सन 1303 का, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था, उसने रानी पद्मनी को पाने के लिए किया था। रानी पद्मनी दिखने में इतनी सुंदर थी, जब वो पानी पीती थी तो सामने खड़ा हुआ इंसान महसूस कर सकता है कि उसके गले से पानी उतर रहा है। उसकी सुंदरता की तारीफ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ आता है, यहाँ पे आक्रमण करता है। सेकंड अटैक हुआ 1535 में, गुजरात का सुल्तान बहादुर में नीचे से चौड़ा, बीच में से पतला, ऊपर से चौड़ा। 10 साल इसको बनने में लगा और 90 लाख रुपया उस जमाने में खर्च हुआ। उसी के सामने जो गार्डन देख रहे प्रेजेंट टाइम में आप, इसे जौहर स्थल कहते हैं। ये वो पावन धरती है जहाँ रानी पद्मनी ने 16,000 दासियों के साथ जौहर किया। ये सामने सामने जो गार्डन है सर, अच्छा गार्डन बना हुआ है। उस जमाने में इस एरिया के अंदर में बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था, उस गड्ढे में लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलाई जाती थी और महिलाएं 16 श्रृंगार करके वहां मंदिर में पूजा पाठ करके उस अग्नि कुंड में हर हर महादेव कहते हुए चली जाती थी। उसे कहते थे जौहर करना। यहाँ की गवर्नमेंट ने उस गड्ढे को बंद कर दिया है कि मनुष्य जानवर गिर ना जाए, और एक हवन कुंड बनाया है, एक बोर्ड लगाया है जिससे पता चलता है कि ये जौहर। हर साल मार्च की एकादशी को हमारे यहाँ मेला होता है, आस पास के राजपूत समुदाय के लोग जौहर श्रद्धांजलि। तीसरा मंदिर जो देखेंगे आप समी देश में, भगवान वर्मा विष्णु महेश शिव जी की त्रिमूर्ति है। 11वीं शताब्दी में MP के राजा भोजराज सिंह ने इस मंदिर का निर्माण किया था। पानी गिरता है, आज तक कोई पता नहीं कर सका ये पानी कहाँ से आ रहा है। 24 आवर्स, 24 घंटे, 365 दिन पानी आता है। सर्दियों के दिनों में गर्म, गर्मियों के दिनों में ठंडा, और बारिश के दिनों में ओवरफ्लो के नीचे चलना चलता है। ये लगभग 50 फीट डीप है। बारिश के दिनों में जब ओवरफ्लो हो जाता है तो नीचे झरना चलता है। इसी के ऊपर किसी कवि ने कहा है कि गौमुख भरे झरना जरे, गौमुख भरे झरना जरे, निर्भया नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ वर्ष तपस्या करे तब पावेगढ़ चित्तौड़। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है,
मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। थैंक यू वेरी मच। Thank you.